हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्वेटर का डिज़ाइन भी बताइए। दो डिज़ाइन जो है मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए ये मल्टी कलर ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, आप इसे मल्टी कलर में भी डाल सकते हैं और दो कलर में भी आप इसको डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है और बनाने में ये बहुत ही ईजी है। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें चार सिलाइयाँ बनानी है, जैसे दो सीधे की और दो उल्टे की। पहले हम एक सिलाई सीधी बनाएंगे, फिर उसके बाद हम उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर उसके बाद फिर हम सीधी बनाएंगे और उसके बाद हम उल्टी बनाएंगे और हमारी ये चार सिलाइयाँ जो हैं वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद ये देखिए, मैंने क्रीम कलर से बनाया। अब इसके ऊपर जो डिज़ाइन डालने के लिए हम जो है ग्रीन कलर का जो है अपना धागा लगाएंगे। ये देखिए, पहला फंदा जो है हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ऐसे कर कर हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, ग्रीन कलर का ये धागा लगाएंगे। ये ऐसे करेंगे, ये देखिए, पहला तीन फंदे जो हैं हम सीधे के बनाएंगे स्टार्टिंग में। ये देखिए, ये सीधे बन गए। अब ये दो फंदे हैं, इन दो फंदों के बीच में से ऐसे निकालेंगे अपनी सिलाई को। ये देखिए, ऐसे फिर से देखिए, ये हमारे दो फंदे हैं, दो फंदों के बीच में से हमने ये सिलाई निकाली और इस फंदे को हम यहाँ से ऐसे लेते हुए इसको सीधा ही बुनकर और इस धागे को यहाँ से खींच देंगे। ये देखिए, इसको थोड़ा लूज ही रखना है धागे को, तभी हमारा ये डिज़ाइन जो है ये ऐसे कर कर आएगा। अब ये जो है हम चार फंदे जो है सीधे के बनाएंगे। ये देखिए, एक, ये दो, ये तीन और ये हमारा चौथा फंदा हो गया। ये देखिए, चार फंदे ये हो गए हैं हमारे, एक, दो, तीन और ये हमारा चार। अब इस वाले फंदे को जो हमने नीचे से उठाया, इस फंदे को इन चारों फंदों के ऊपर से लेकर आएंगे। ये ऐसे कर कर ये ऐसे लेकर आए और इसको हमने यहाँ से निकाल दिया। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो डलना स्टार्ट हो गया है। फिर ऐसे ही करेंगे, फिर ये दो फंदे होंगे हमारे, इस दो फंदों के बीच में से हम सिलाई को ऐसे निकालेंगे और इसको हम यहाँ से सीधा बना देंगे और इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे ऐसे कर कर। फिर अब जो है चार फंदे हम सीधे के बनाएंगे ऐसे कर कर, ऐसे एक, ये देखिए दो और ये तीन और ये चार फंदे हमारे सीधे के हो गए। फिर यही वाला फंदा जो हमने नीचे से उठाया, इसको उठाकर इन चारों फंदों के ऊपर से हम सिलाई लाएंगे ऐसे कर कर और इसको हम निकाल देंगे। ये ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे, ये वाली सिलाई जो है हमारी कंप्लीट ऐसे ही होगी। फिर दो फंदे लेंगे, इस बीच में से निकालेंगे, फिर हम ये ऐसे कर कर सीधा बनाएंगे इसको। ये देखिए, बहुत ही इजी डिज़ाइन है और बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, अब बची हुई ऊन जो है आप अलग अलग कलर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ऊन को इस डिज़ाइन में। एक, ये दो और ये तीन और ये चार फंदे ये मैंने ऐसे बना लिए। फिर ऐसे ही करेंगे, इसको निकालेंगे और ये इसके ऊपर से चार फंदों के ऊपर से ये ऐसे कर कर हम इसको ये निकाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो डलना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही ये हमारी सिलाई जो है कंप्लीट होगी। अब ये दो फंदों में फिर ऐसे ही करेंगे, ये ऐसे देखिए, फिर चार फंदे फिर हम सीधे बनाएंगे। और ये चार फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर ऐसे ही करेंगे, फिर दो फंदे ऐसे ही, फिर धागा लूज करके खींच देंगे इसको, थोड़ा ऊपर करेंगे, फिर ये हमारे चार फंदे हम सीधे बनाएंगे। एक, दो, तीन और ये चार फंदे हमारे सीधे के हो गए। फिर ये वाला फंदा निकालेंगे इसके बीच में से, ये चार फंदों के ऊपर से ये वाला ऐसे ये छोड़ दिया, निकाल दिया हमने। ये देखिए, फिर ये लास्ट वाला फंदा बचा है हमारा, इसको हम ऐसे ही सीधा ऐसे बना देंगे। अगर लास्ट में आपके दो फंदे बनते हैं तब भी आप इसको डिज़ाइन को दो फंदों के बाद जो है आप इस फंदे को ऐसे ही निकाल सकते हैं। मेरा एक फंदा बना है तो मैं हम इसको ऐसे ही बुन देंगे हम। फिर उल्टी सिलाई आएगी हमारी, उल्टी सिलाई पर हमने क्या करना है, ये हमने सारे फंदे जो हैं अपने उल्टे ही बनाने हैं। ये देखिए, ऐसे करेंगे धागे को, इसको निकाल देंगे, फिर ये देखिए, ये ऐसे लेंगे धागे को, इसके ऊपर से डालेंगे इसको ऐसे, फिर इसको निकाल देंगे, फिर ये ऐसे करेंगे। ये देखिए,
ये ऐसे करेंगे, इस फंदे को इसके ऐसे घुमाएंगे और इसके ऐसे करते हुए इसको निकाल दें। ऐसे ही जो है हमारी सिलाई जो है उल्टी की कंप्लीट होगी। ये ऐसे करकर ये देखिए, मैं ये आपको कर दिखाती हूँ। उल्टी सिलाई हमारी उल्टी है, डिज़ाइन मैंने आपको डालकर बता दिया। उसके बाद जब हम नेक्स्ट अपनी डिब्बी डालेंगे डिज़ाइन की, तो फिर मैं आपको उसमें बताऊँगी कि क्या करना है। ये देखिए, ऐसे ही आप उल्टी सिलाई जो है अपनी कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डिज़ाइन जो है अपना कंप्लीट कर लिया। पहले तो हमने सिलाई सीधी बनाई थी, जो हमने डिज़ाइन डाला था, ये हमने एक सिलाई सीधी बनाई थी डिज़ाइन डालते हुए। फिर उसके बाद मैंने एक सिलाई जो है उल्टी बनाई, उसके बाद एक सीधी बनाई और एक उल्टी बनाई सिलाई, ये हमने ये बना लिया। अब उसके बाद जो हमने क्या करना है, अपना दूसरा धागा लगाएंगे। जैसे मैंने ये पिंक कलर का धागा लगाऊंगी, ये देखिए ये पिंक कलर का धागा है, बेबी पिंक कलर जो है ये मैं लगाऊंगी इसमें। ये ऐसे कर ये ऐसे, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए जैसे ये है, इसके ऊपर ऐसे लेंगे और इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे कर। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये ऐसे। तो पहला फंदा जो है हमने क्या बनाना है, सीधे के बनाना है। हमने पहले जो ये बनाया था, तब ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था अपना ये ग्रीन कलर से, तो पहले हमने तीन फंदे सीधे के बनाए थे। फिर अगली डिज़ाइन में हमने एक फंदा हमने सीधा बनाना है, फिर उसके बाद हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जैसे ये देख लिए, स्टार्टिंग से जो है हमने तीन फंदे पहले हम सीधे के बनाएंगे, फिर हम डिज़ाइन डालेंगे, फिर यहाँ से एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, फिर उसके बाद डिज़ाइन डलेगा, फिर तीन फंदे हम सीधे के बनाएंगे, फिर डिज़ाइन डलेगा, फिर एक फंदा हम सीधे का बनाएंगे, फिर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। ऐसे ही तीन फंदे हमने पहले सीधे बनाए, फिर हमारा डिज़ाइन स्टार्ट हुआ। अब तीन फंदे यहाँ पर बनाए, तो अब यहाँ पर हमने एक फंदा हमने अपना सीधे का बनाया। ये देखिए, अब हमने एक फंदा जो है अपना सीधा बनाया। अब इसके बाद जो है, ये जो दो फंदे हैं, ये वाले दो फंदे, अब इसके बीच में से हम ऐसे निकालेंगे इसको ऐसे, और इसको हम सीधा बना देंगे ये ऐसे कर, और इसको इस वाले धागे को जो है हम थोड़ा लूज ऐसे कर हम इसको खींच देंगे। और अब ये सीधा हम चार फंदे जो है हम सीधे के बनाएंगे, एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये ऐसे कर। फिर ये वाला जो फंदा हमारा, ये वाला, इस फंदे को उठाएंगे और इस फंदे को हम यहाँ से इसको ये ऐसे कर निकाल देंगे, ये ऐसे कर इसको हम ऐसे निकाल देंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, ये दो फंदे लेंगे और इसके बीच में से हम ऐसे निकालेंगे, इसको पीछे से सीधा बनाएंगे और इसको हम लूज करते हुए ऐसे निकाल देंगे। फिर चार फंदे हम फिर सीधे के बनाएंगे, ये देखिए, एक, ये दो, तीन और ये चार फंदे हमने इसके सीधे के बनाए। फिर इस फंदे को लेंगे और इसको इससे नीचे निकाल देंगे। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन जो है हमारा स्टार्ट हो गया। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है। बस आपने ये ध्यान रखना है कि तीन फंदे हमने यहाँ पर सीधे बुने हैं, तो उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बनाना है, फिर हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करना है। अब इसके ऊपर अगली डिब्बी जो बनेगी, उस पर हमने तीन फंदे सीधे बनाने हैं, उसके बाद जो है हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। बस इसी बात का आपने ध्यान रखना है, बाकी ये डिज़ाइन जो है ऐसे ही बनेगा। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन लगता है और बनाने में ये बहुत ही ईजी है। सबसे पहले आप अगर स्वेटर में डाल रहे हैं, तो एक आप ऐसे ही, जैसे सैंपल मैंने आपको दिखाया, आप ऐसे बनाकर आप अपने डिज़ाइन को देख सकते हैं और उसके बाद आप जो है अपने स्वेटर में डायरेक्ट इसको डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।